अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फैज़ान। इस वीडियो में मैं आपको जावा पे एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, कैलकुलेटर बना के दिखाऊंगा, जिसमें आपके आप जो चाहे उसको प्लस करवा सकते हैं, माइनस करवा सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ प्रोग्राम जो मैंने ऑलरेडी बनाया है पहले से। दिस इज़ यूज़र ऑपरेटर कैलकुलेटर। व्हाट डू यू वांट? मैं चाहता हूँ प्लस, तो इंटर 20 नंबर 20, तो मेरे पास आंसर आ गया 40। यहाँ पर मैं दे देता हूँ माइनस। व्हाट डू यू वांट? मैं यहाँ देता हूँ माइनस। एक मिनट, इसको यहाँ से इस फाइल को रन करते हैं। मैं इसको माइनस करता हूँ 20 और 10, तो मेरे पास आंसर आ गया सब्सट्रैक्शन इज 10। तो इस तरह का प्रोग्राम किस तरह बनेगा, आइए देखते हैं हम किस तरह बनाते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले हम न्यू फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम इस कमेंट लाइन को मिटा देते हैं, इनका कोई काम नहीं है इस प्रोग्राम में। ओके, अब इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हम जावा को इंपोर्ट करवाएंगे, तो हम इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। उसके बाद हम यहाँ पर स्कैनर को भी इंपोर्ट करवाएंगे, स्कैनर इनपुट हम नाम दे देते हैं इसको, इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट एन। यहाँ पर हमारे पास ये बन गया। अब हम यहाँ पर एस ओ यू टी टैप करके हम टैप दबाते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं दिस इज यूज़र, कहाँ लिख रहा है भाई ये, दिस इज यूज़र ऑपरेटर कैल लिख देता, काफ़ी टाइम नहीं अभी बनना, बहुत लंबा हो जाएगी वीडियो। तो उसके बाद यहाँ पर S6 दबा के मैं इसको रन कर देता हूँ, ये मेरे पास आ गया दिस इज़ यूज़र ऑपरेटर कैल। उसके बाद मैं चार में मैं CH स्टोर करवाता हूँ, उसके बाद मैं इंटीजर लेता हूँ, उसके अंदर A, B और C स्टोर करवा दिया। उसके बाद मैंने SOUT टैब, इसमें लिख दिया मैंने व्हाट डू यू वांट। उसके बाद मैंने CH इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट, क्योंकि हमने चार लिया तो उसके लिए हम 0 4 @0। उसके बाद हम नीचे काम करेंगे, इफ़ अगर CH अगर हमारे पास इक्वल है हमारे पास प्लस के, तो हमारे पास क्या फंक्शन क्रिएट हो। सबसे पहले SOUT टैब इंटर आ नंबर पूछे हमसे, तो उसको इनपुट करने के लिए हमें इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंटीजर, क्योंकि हमने इंटीजर लगाया था, नेक्स्ट इंटीजर हुआ। अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ, ना इसको पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं बी कर दूंगा, और उसको मैं अब उसके बाद मैं सी इज़ इक्वल टू, मैं एक वेरिएबल जो मैंने पढ़ लिया था सी इज़ इक्वल टू A+B, इसको प्लस करवाऊँगा, और SOUT टैप करके मैं आंसर ऑफ एडिशन, आंसर ऑफ एडिशन क्योंकि मैंने सी में करवाया तो प्लस सी करवाया लिखेंगे इसको। ओके, ये हमारा बन गया। अब इसी की चीज़ को हम कॉपी करेंगे, हम इसको यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर हम एस एफ लगा देंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे इसको माइनस, और यहाँ पर भी इसको हम लिख देंगे माइनस। उसके बाद दोबारा इसको हम पेस्ट करेंगे, एस एफ, और यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी सी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई। यहाँ पर दोबारा हम पेस्ट करेंगे इसको, यहाँ पर हम एस लगाएंगे दोबारा से, और यहाँ पर हम डिवाइड लिखेंगे, अगर सी एच इक्वल डिवाइड के तो क्या हो, और यहाँ पर भी हम ए डिवाइडेड बाय बी करेंगे। उसके बाद हम एस लगाएंगे,
एस में लिखेंगे एस ओ यू टी टैब और इन वायलेट ऑपरेटर। ओके, अगर कोई भी हम नंबर हम ऑपरेट करते हैं स्पेलिंग करेक्टर में तो वहाँ पर इनवैलिड ऑपरेटर आ जाए। हम इसको रन करके चेक करते हैं तो हमारे पास पूछता व्हाट डू यू वांट, मैं चाहता हूँ प्लस, उसके पास 20 30, तो मेरे पास आंसर आ गया एडिशन 50। अब उसके बाद मैं रन करता हूँ, मैं लिखता हूँ माइनस, मैं 10 और 5, तो मेरे पास आंसर आ गया 5। मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा 5 × 5, तो 5 × 5 = 25। डिवाइड करवाना चाहूँगा मैं 50 और 20, मैंने देखें अब मैंने व्हाट डू यू वांट में मैंने 50 लिख दिया तो मेरे पास आ गया इनवैलिड ऑपरेटर। डिवाइड करवाने के लिए मेरे पास पूछेगा इंटर नंबर, मैं लिखूँगा 20 और मैं 10 लिख दूँगा तो मेरे पास आंसर आ गया एडिशन। अच्छा, मैंने उसकी वैल्यू चेंज नहीं करी, डिवाइड नहीं करी, तो मेरे पास डिवाइड का आ गया आंसर 2। अब मैं जैसे कि एक ऑपरेटर की जगह मैं जैसे कोई नंबर प्रिंट करवा देता हूँ तो मेरे पास लिखा हुआ जाएगा इनवैलिड ऑपरेटर। उसके बाद जैसे कि मैंने फिल्म के लिए कैसे स्पेलिंग वगैरह मैंने लिखी उस पर एंटर करा तो मेरे पास इनवैलिड ऑपरेटर आ गया। तो ऑपरेटर के लिए प्लस माइनस डिवाइड हम लिख सकते हैं तो वहाँ पर आंसर आगे रन होगा, वरना तो इनवैलिड ऑपरेटर शो होगा। तो यह हमारे पास प्रोग्राम बन गया है कैलकुलेटर का। अगली वीडियो में मैं आपको और भी बहुत सारे प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें।